हेलो फ्रेंड्स, फ्रेम में आपको दिख रही है मारुति अर्टिगा सीएनजी बीएसएक्स फेस टू वाला मॉडल है। वैसे तो ये गाड़ी बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है, बहुत बिकती है गाड़ी, लेकिन इस गाड़ी के साथ बात कुछ अलग है। इस गाड़ी से साइकिल वाला भी आगे चले जाता है। ऑनर इस गाड़ी से परेशान हो गए, वो चाहते हैं कि इस गाड़ी को मैं सेल करके दूसरी गाड़ी ले लूँ, क्योंकि सीएनजी गाड़ी है। एक्चुअल में इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है, सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व करूंगा बिना किसी टूल के। मोस्टली ऐसा ही होता है, गाड़ी नई ली गई और नई लेने के बाद फिर आप चले जाते हो एक्सेसरीज लगवाने या फिर कोई काम कराने, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि साहब गाड़ी तो नई ली थी तो बहुत अच्छी चल रही थी, बाद में उससे मन उतर जाता है, लगता है यार ये मन उतर गया, अब ये मज़ा नहीं दे रही क्योंकि दूसरी गाड़ी अच्छी चल रही है, जब नई लाए थे तो बहुत अच्छी चल रही थी और अब जाके ये परफॉर्मेंस पूरा नहीं दे रही है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे, चीज़ें समझने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को अभी एक दिन पहले ड्राइव किया और जब ड्राइव किया तो पाया यार ये क्या है, ये तो बिल्कुल अलग है, जबकि ब्रांड न्यू गाड़ी है, नवंबर 2023 की गाड़ी है, बहुत कम चली हुई गाड़ी है और फिर ऐसा परफॉर्मेंस क्यों कर रही है, वो सारी चीज़ें भी आज पोल खोल देंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को अलग से बनाने वाला इस गाड़ी का सेटअप, ये 4 लोगों की फैमिली के लिए यूज़ में ली जाती है गाड़ी, 7 सीटर गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी की सीटिंग अरेंजमेंट कुछ अलग है, अगर आप देखोगे तो मन खुश हो जाएगा। कार के ओनर सामने खड़े हैं सरदार जी, श्याम सिंह जी कहते हैं, सरदार जी हमारे एक अच्छे मित्र भी बन गए। सर बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल में आपका, और आज आपसे बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे, कैसे कैसे इस गाड़ी का सेटअप तैयार किया है और इस गाड़ी के साथ सरदार जी को कुछ प्रॉब्लम आ रही, सरदार जी कह रहे यार गाड़ी मैं बेच देता हूँ दूसरी ले आता हूँ। अभी हम लोगों ने लोनावला खंडाला ये सब ट्रिप किया, ये गाड़ी हमारे साथ ही थी, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे होंगे तो आपने देखा होगा। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस गाड़ी की कुछ ऐसी चीजें जिसको देख के आपको भी शायद हैरानी होगी, लगेगा यार ये क्या है। अभी देखो डिग्गी खुली हुई है, इससे डिग्गी का साइन आ रहा है, इग्निशन ऑन करना खाली, बस 11,050 किलोमीटर चली हुई है। अभी देखो जी मैंने इस गाड़ी को चलाया और चला के कुछ फील किया, सरदार जी से पूछा गाड़ी कैसी चल रही है, सरदार जी बोले यार जब ली थी गाड़ी तब तो बढ़िया थी, उसके बाद कुछ मजा सा नहीं आता। तो सरदार जी अब क्या फील होता है, अब गाड़ी क्या लग रहा है, गाड़ी जैसे आपने ली तो क्या सोच के ली थी? गाड़ी ये सोच के ली थी कि क्योंकि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं और एक लोकल में वैगनर चलाऊंगा और ये अर्टिगा लूंगा तो मैं बड़े टूर के लिए लूंगा, कहीं मैं तो लोकल पंजाब से हूँ तो कहीं पंजाब जाना रहेगा या कहीं और टूरिस्ट करने के लिए दूर कहीं दराड में जाना रहेगा तो ये गाड़ी से मैं जो है सफ़र करूंगा। गाड़ी लेने के बाद मैं सबसे पहले उज्जैन गया तो रास्ते में जो कर्जत कसारा का जो पहाड़ी इलाका है वो मैंने क्रॉस किया तो बड़ा नॉर्मली क्रॉस हो गया, कोई मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन उसके बाद जब मैं मई महीने में, क्योंकि 30 नवंबर को मैंने गाड़ी खरीदी और उसके ठीक 5 या 6 महीने बाद जब मैं मई की 3-4 तारीख को पंजाब गया और वहाँ से मैं कश्मीर के लिए निकला श्रीनगर के लिए, तो वहाँ की पहाड़ियों पे मेरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल एक साइकिल से भी उसकी स्पीड कम हो गई और मैं रेस पे रेस दे रहा हूँ, पहला गियर डाल रहा हूँ दूसरा गियर डाल रहा हूँ लेकिन गाड़ी जो है वो बिल्कुल भी रेस नहीं पकड़ रही है। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल मजा किरकिरा हो गया, मुझे लगता है शायद मैंने सीएनजी गाड़ी जो ली है वो प्लेन रास्ते के लिए है, पहाड़ी इलाके में ये कामयाब नहीं है। तो मैंने फिर भाई साहब से जिक्र किया यार मैं कहा मुझे दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि ये ना पहाड़ी इलाके में कामयाब नहीं गाड़ी, ये सीएनजी गाड़ी है। तो इन्होंने फिर मुझे बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, सीएनजी गाड़ी भी पहाड़ी इलाके में खूब भागती है लेकिन इसमें कुछ शायद प्रॉब्लम है। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो क्या है बताता हूँ। देखो गाड़ी जो चलाते हैं सरदार जी मतलब बहुत नॉर्मल चलाते हैं, बढ़िया चलाते हैं गाड़ी, मेरे आगे पीछे भी रहे चला रहे थे, फर्स्ट क्लास था, लेकिन इनका दिक्कत ये है ना कि गाड़ी कह रहे भागती नहीं है उतना, पिकअप नहीं लेती, गाड़ी स्टार्ट करने जाते हो। अच्छा स्टार्टिंग वाला क्या केस हुआ था, एक बार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी आपकी वो बताओ। जब मैंने शुरू में इसको स्टार्ट करना चाहा, लेकर आ गया शोरूम से, उसके बाद या दूसरे दिन स्टार्ट करना चाहा तो ये स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि वैगनर बिना क्लच दबाए स्टार्ट होती थी, तो ये क्लच दबा के स्टार्ट होती थी तो मुझे किसी ने बताया नहीं पहले, तो ये स्टार्ट नहीं हुई तो मैंने जो मेरा था आदमी उसको पूछा कि नवेद भाई ये स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, तो बोले ठीक है मैं चेक करवाता हूँ। तो वो चेक करवाया, उससे पहले मैंने एक लोकल मेरा दोस्त था उनसे पूछा, वो मैकेनिक है, तो मैंने कहा भाई साहब ये गाड़ी मेरी नई है स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका जोर से क्लच दबाओ तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगी, तो मैंने फिर कस के इसका क्लच दबाया तो फिर ये स्टार्ट हो गई। अभी देखो जी क्लच को जोर से दबाना पड़ता है, बहुत ताकत लगा के तब गाड़ी स्टार्ट होती है, जबकि ऐसा नॉर्मली होना नहीं चाहिए। और इसी वजह से गियर शिफ्टिंग भी इतनी स्मूथ नहीं है, गियर शिफ्टिंग इसकी हार्ड है। अभी नॉर्मल खड़ी गाड़ी है, नॉर्मल पड़ रहे हैं, जब गाड़ी चल रही होती है तो कई बार मैंने इसका एक्सपीरियंस किया कि गियर शिफ्टिंग हार्ड हो जाती है। अब मैंने इसमें पाया क्या वो दिखा देता हूँ, बड़ा छोटा सा पॉइंट है, बस फोकस करने का, ध्यान करने का है। और ये गलती देखो कस्टमर की नहीं है, ना ही गाड़ी बनाने वालों की है, गाड़ी जिसने बनाई बढ़िया बनाई फर्स्ट क्लास बनाई, लेकिन जब वहाँ से निकली तो फिर अनाड़ी के हाथ में पड़ गई। कहते हैं ना अनाड़ी के हाथ में कोई चीज़ पड़ जाए तो फिर जो मर्जी कर देते हैं, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है, हर काम को करने का तरीका होता है, उस तरीके से हट के हो जाता है तो वो अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब इसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट की है
वो दिखा देता हूँ पाजी। एक बार जरा गाड़ी स्टार्ट करो, सीट थोड़ी पीछे कर लो ताकि लोग भी देख पाएँ। थोड़ा सा लाइट ऑन कर देता हूँ और एक मिनट ये हटा देता हूँ यहाँ से। देखो आपको एक क्लच पेडल दिख रहा है, दबाओ जरा कल पाजी पूरा, ठीक है। और स्टार्ट करो, अब इन्होंने पूरी ताकत से दबाया। पहले क्या कर रहे थे आप, कब बंद करो, पहले मैं इतना करके कर देता था, स्टार्ट नहीं होती थी। अब स्टार्ट करो दबा के, ताकत लगाई, ये देखो ताकत लगाई, फिर जाके स्टार्ट हुई है। तो भाई साहब ये गाड़ी ताकत मांग रही है। और दूसरा एक बार एक्सेलेटर दबाओ, थोड़ा थोड़ा दबाओ, फुल दबा दो धीरे धीरे। हाँ हाँ, बस बस छोड़ दो छोड़ दो। अब जो इसकी चीज़ है ना वो आपको दिखाता हूँ मैं, दिक्कत कहाँ पे है। मैं आता हूँ उस तरफ, आप नीचे ध्यान दो, इसके ऊपर जो मैट लगी है, भाजी पैर थोड़ा सा पीछे कीजिए। हाँ ये देखो ये मैट लगी है, मैट देख रहे हो, मैट की थिकनेस देखो। अब मैं एक्सीलेटर पेडल दबाता हूँ, पेडल कितना दब रहा है, मुश्किल से 70-80%, 70% भी नहीं जा रहा, 70-80 हद से हद, ठीक है। और क्लच देखो भाजी, क्लच दबाना, देखो टकरा गया वहाँ। अभी उसका पीछे है, देखो पीछे जगह पीछे बाकी है, जबकि वो पूरा दबा नहीं, मतलब ये क्लच पूरा नहीं दब रहा है। अब ये अभी सीट इसको थोड़ा पीछे करना, और इसके नीचे एक लेमिनेशन भी और है इसके अलावा। अब क्लच दबाओ जरा, ठीक है। अब एक बार स्टार्ट करो कम ताकत लगा के, जैसे आपसे स्टार्ट नहीं होती थी वो वाली कंडीशन से। हाँ स्टार्ट हो गई, ताकत कम लगी, उतना नहीं दबाना पड़ा नहीं। अब एक्सीलेटर दबाओ एक बार, अब गाड़ी बंद करो एक बार, अब बंद करके गाड़ी, अब पंजा दबाओ एक्सीलेटर का, पूरा दबा दो पूरा फुल। पहले इतना नहीं दबता था आपका, नहीं पहले आपका आधे पे रुक रहा था, पहले इसका एक्सीलेटर पूरी तरह से प्रेस ही नहीं हो पा रहा था। और पाजी को ये लग रहा था कि साहब गाड़ी भाग नहीं रही है, देखो जहाँ पे ज़रूरत है आपको फुल एक्सीलेटर की, और जब आप फुल दे रहे हो लेकिन एक्सीलेटर तो पूरा हो नहीं रहा है। अब आपको लग रहा है यार पूरा पंजा मैंने दबाया हुआ है तब भी गाड़ी नहीं चढ़ रही है। एक्चुअल में गाड़ी इसलिए नहीं चढ़ती थी क्योंकि ये इतनी मोटी थिकनेस की मैट है जो कि ये होनी नहीं चाहिए। दूसरा, गाड़ी को स्टार्ट करते समय क्लच दबाना पड़ता था, बोले ताकत लगा के दबाओ, तो ताकत से क्या होता था ये पूरा जब दबेगा तब होता था। और हर बार पॉसिबल नहीं कि इतनी ताकत लगा के आप गियर शिफ्टिंग करोगे, और जब आप गियर शिफ्टिंग करोगे तो गियर हार्ड होंगे। और इस कंडीशन में आपको देखो एक तो गियर भी में प्रॉब्लम आती, गियर बॉक्स धीरे धीरे आपका ख़राब होता, क्लच ख़राब होती, और गाड़ी पे एक एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा था हाफ एक्सीलेटर पे, उसको आप उठा रहे थे, ठीक है जी। तो चलो ये प्रॉब्लम पाजी की सॉल्व हो। पाजी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। अब एक बार इसके बिना चला के देखना, आप इस मैट के बिना एक टूर करना, हाफ मैट लगा के फिर टूर, हाफ मैट लगा के उतना काट लो, उतना काट लेते हैं, फिर टूर करो, फिर टूर करते हैं। सही बात है। देखो जी ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इसको हर कोई नोटिस नहीं कर पाता, हर कोई सोचता है नहीं जी चल जाएगा, है क्या, हो तो गया ना, ये बाहर से करवा लेंगे अंदर से करवा लेंगे। जब ओरिजिनल जो चीज़ आप लेते हो कंपनी की, तो वो सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई गई रहती हैं, और बाहर से जब आप लेते हो तो उसमें ये सारी चीज़ें देखते नहीं है, ये प्रॉब्लम आती है। यह आद्यांश है, शाहजी का बेटा है, और इसको भी ऑटिज्म है, एडी को भी ऑटिज्म है, आप लोग जानते हैं। बाकी अगर एडी का चैनल नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिलेगा, एक बार एडी का चैनल भी देख लेना। और हम आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का बेड सेटअप जो सुधार जी ने खुद से डिजाइन किया है। इसके अंदर पूरा कंप्लीट बेड सेटअप है, 6 फुट का बंदा आराम से 3 लोग इसके अंदर सो सकते हैं। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, गाड़ी के अंदर सीएनजी लगी हुई है। मोस्टली हम लोग ये समझते हैं सीएनजी लगी हुई तो साहब स्पेस खत्म हो गया, स्पेस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट यहाँ पे स्पेस का अलग ही यूटिलाइजेशन है, इसको एज ए पिलो यूज किया जाता है। सीएनजी सिलेंडर इसके नीचे और ये पूरा बेड बना हुआ है। मेरे ख्याल से मोस्ट प्रैक्टिकल हो जाती है गाड़ी कैंपिंग के लिए जब इस तरह का आप सेटअप लगा लेते हैं। और इस सेटअप को लगाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा भारी खर्चा भी नहीं किया गया, DIY बनाया गया है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बनाया गया है, और इसको तुरंत कन्वर्ट भी किया जा सकता है ओरिजिनल सीट की तरह। देखो इन्होंने गाड़ी की जो ओरिजिनल सीट थी उसमें से मिडिल रो को हटा दिया, उसकी जगह स्टेनलेस स्टील का एक फ्रेम बनवाया सेम साइज़ को मेजर करके जो कि फोल्डिंग है, और पीछे की सीट को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि इनकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, 2 बच्चे जो पीछे आराम से बैठ सकते हैं और 2 हस्बैंड वाइफ आगे। अब ये कैसे लगाते हैं इस बेड सेटअप को वो दिखाते हैं। देखो ये स्टेनलेस स्टील से बनाया हुआ है और इस तरह का इसमें यू आकार का एक जॉइंट किया है, ये यू आकार नीचे काम आता है जब इसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड कैसे करते हैं वो देख लो, अभी सिंपल पड़ा हुआ है, अब इसको जब हम फोल्ड कर देते हैं नीचे की तरफ, ये देखो यहाँ से मैच कर जाता है। एक मैट्रेस रखे हुए हैं, फोल्डिंग मैट्रेस है, इसके ऊपर डाल देंगे और रियर सीट को जब फोल्ड कर देंगे तो इसका लेवल भी बिल्कुल बराबर आ जाएगा। और इसके ऊपर लगा दिया मैट्रेस, ये कंप्लीट हो गया सेटअप बेड का। अब इस बेड के ऊपर अगर सोना चाहें आराम से तो
तो तीन बंदे बहुत आराम से सो सकते हैं और इसके नीचे बहुत सारा स्पेस बच जाता है जहाँ पे हम कोई भी लगेज रख सकते हैं, कैंपिंग का सामान रख सकते हैं। मोस्टली ये गाड़ी कैंपिंग के लिए यूज़ होती है। और अगर लेटना चाहते हैं तो देखो कम्फर्टली ऐसे लेट सकते हैं बहुत आराम से। अभी दो लोग लेटे हैं हम, तब भी यहाँ पे जगह खाली है। और अगर इसके उल्टा लेट जाएंगे तो बहुत आसानी से लेट सकते हैं। बैठने के लिए भी इनफ स्पेस है, इसके अंदर बैठ के खाना पीना, खाना हो कैंपिंग हो, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जी यही था हमारा इस अर्टिगा का एक्सपीरियंस, कुछ अलग सी चीज थी और थोड़ा सा आज वीडियो का कॉन्सेप्ट अलग था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मन में कोई सवाल या सुझाव हो वो भी जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।